हाय गाइज, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप लोग थंबल देकर समझ गए कि आज का जो वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। फिर भी गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मौज एप्लीकेशन पर फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं, मैंने मौज एप्लीकेशन के लिए फोटो से वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर गाइज आप मौज एप्लीकेशन यूज करना करते हैं, उस पर अगर फोटो से वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अब अपने फोटो से वीडियो एकदम अच्छे क्वालिटी में अच्छे तरह से एडिटिंग करके आप मौज एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आप लोग की समझ सकता हूँ कि जब आप मौज एप्लीकेशन पे मतलब फ़ोटो से वीडियो चाहते हैं बनाना, तो आपको कोई वहाँ पर ऑप्शन मतलब अपडेट नहीं हुआ है जिससे कि आप मौज एप्लीकेशन पे वीडियो से मतलब फ़ोटो से वीडियो बना सकते हैं। चलिए गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मौज एप्लीकेशन पर फ़ोटो से वीडियो बनाया जाता है। तो फाइनली जब मौज एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। खुलने के बाद आप लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ गैलरी ओपन करते हैं तो आपको मतलब कि सिर्फ वो वीडियो ही दिखाई देता है, मतलब कि फोटो वाला ऑप्शन कोई दिखाई नहीं देता है। तो गाइज, आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एकदम आपको क्लियर कर देने वाला हूँ कि आप लोग मतलब मौज एप्लीकेशन के लिए फोटो से वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इससे पहले कि गाइज, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको सिंपली करना कुछ नहीं कि जो मौज एप्लीकेशन है उस पर, तो आप लोग को मैं पहले ही बता दिया कि मतलब कोई ऑप्शन अपडेट नहीं है जिससे कि आप मौज एप्लीकेशन पे फोटो से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गाइज, मैं आपको इस वीडियो में 5 एप्लीकेशन ऐसे बताने वाला हूँ जिससे कि आप फोटो से वीडियो एकदम सिर्फ आपको कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करना होगा, सिर्फ आपको फोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद आपका जो है मतलब कि फ़ोटो से वीडियो एकदम रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं पहला एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो पहला एप्लीकेशन को आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में आकर, आपको देख सकते हैं यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, देखिए वीडियो इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। तो ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही मतलब कि पॉपुलर चल रहा है, यहाँ का देख सकते हैं 10 मिलियन डाउनलोडर भी हो चुके हैं। तो चलिए, मैं इसको कैसे यूज करना है मतलब फ़ोटो से वीडियो बनाए, इसको मैं ओपन करके आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो का आप शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही मतलब कि नॉलेजबल है कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आपको मतलब अच्छे अच्छे फ़ोटो से वीडियो बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि कोई भी मतलब कि जो लेना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखते हैं क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और अपने फ़ोटो को अपलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत से मतलब कि कैटेगरी है, यहाँ पर देख सकते इतना फ़ोटो से बनाने के लिए बहुत ही मतलब ये बेस्ट एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं गाइज दो नंबर एप्लीकेशन की। तो दो नंबर एप्लीकेशन का नाम है मस्त, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि कुछ इसमें कैसा इंटरफेस है। तो ये भी बहुत मतलब कि ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जिसे फ़ोटो से वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, जब ओपन होगा देख सकते हैं इस तरह से होने के बाद, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे फ़ोटो से वीडियो बनाने के लिए, एकदम इसमें बेस्ट बेस्ट फोटो से वीडियो बन सकता है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ फोटो, यहाँ पर देखते हैं नीड 1 to 5 पिक्चर, इसमें आपको 1 से 5 मतलब 5 पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरह से कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए कुछ ओपन हो रहा है। तो इस तरह करेंगे तो आपके इसमें भी आपको गैलरी मतलब कि आपके पिक्चर्स दिखने लगेंगे। तो उसके आपको क्या करना है, पिक्चर को इस तरह से फटाफट मतलब कि आपको पिक्चर को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे तो आपके पिक्चर्स बन जाएंगे, देखिए इस तरह से आपका फोटो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से मस्ट एप्लीकेशन में भी आप फोटो से वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर एप्लीकेशन के। तो फाइनली मैं मतलब कि सारे एप्लीकेशन को तो दिखा नहीं सकता कि मतलब कितना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर उसको आपको देखना है तो आपको मतलब कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है, जो एप्लीकेशन मैंने बताया उस एप्लीकेशन को कि फ़ोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं। 3 नंबर में आपको मिल जाएगा MVBeat एप्लीकेशन, उसमें भी आप अच्छे से मतलब कि फ़ोटो से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ फ़ोटो को अपलोड करके ही। उसके बाद 4th नंबर की बात करते हैं तो नॉइज़ एप्लीकेशन है, जिससे कि आप अच्छे से फ़ोटो मतलब कि अपलोड करके उसमें अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर की बात करते हैं तो MVBeat है, उसमें भी आप मतलब MVBeat तो मैंने 3rd नंबर पर बताया था, MVBeat है 5वें नंबर पर। इस तरह से 5 एप्लीकेशन मैंने बताया, 1st में बताया वीडियो, 2 नंबर पर बताया मस्त, 3 नंबर पर बताया MVBeat, 4 नंबर पर बताया आपको
क्या बोला जाता है एम्बिट, और चौथे नंबर पर नॉइज़ एप्लीकेशन। इस तरह से पांच एप्लीकेशन मैंने आपको बेस्ट बताया, जिससे कि आप सिर्फ फोटो अपलोड करके और उसके बाद आपको वीडियो बन जाएंगे, उसके बाद आपको डाउनलोड करके मौज एप्लीकेशन पर मतलब कि अपलोड कर देना है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि मौज एप्लीकेशन पर अभी नहीं है तो फिर बाद में भी अपडेट आ सकता है, जिससे कि आप फोटो से कलेक्ट कर, जैसा कि स्नैक वीडियो बैन हो चुका है उसमें भी नहीं था शुरू, मतलब कोई अपडेट नहीं था फोटो से वीडियो बनाने के, लेकिन बट गाइज बाद में चलकर कोई अपडेट आ गया जिससे कि आप फोटो से वीडियो क्रिएट कर सकते थे स्नैक वीडियो पे। इसी तरह मौज एप्लीकेशन में भी आगे मतलब कि अभी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें भी बहुत ही जल्द कोई ना कोई अपडेट आएगा जिससे आप फोटो से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।